बहुत अच्छा रहा है और पेपर काफ़ी ईजी है इस बार। ईजी है जी, तो मतलब अगर अपन पिछली बार से कंपेयर करें तो इस बार थोड़ा सा, हाँ ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है तो मैं बता नहीं सकती कि पिछली बार से क्या कंपेयर करें, पर मैंने जितने भी अभी टेस्ट सीरीज में पेपर अटेम्प्ट किए हैं उनके अकॉर्डिंग ये पेपर मतलब ईजी है मेरे ख्याल से। और पिछले जो पेपर देखे हैं मैंने पुराने इस प्रीवियस ईयर के, तो मैं बता सकती हूँ कि ये ईजी था। ईजी था, ठीक है। लगभग कितने अटेम्प्ट किए अपन ने? ये फर्स्ट ईयर नहीं, मतलब टोटल नंबर्स क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट किए? 71। चलिए मैम, ऑल द बेस्ट सेट के लिए। थैंक यू सर। तो थोड़ा सा अपना पॉइंट बता दो इस पेपर को लेके, कैसा रहा? लेंथी पेपर था। इसमें एक क्वेश्चन के अंदर वैसे ही पूछ रखा था जैसे कि कौन से क्वेश्चन सही हैं, तो उसमें चार चार स्टेटमेंट दे रखे, चार चार स्टेटमेंट को पूछ रखा था, मतलब एक क्वेश्चन में चार क्वेश्चन पूछ रखे थे, तो बहुत लेंदी था, करने में टाइम जा रहा था। कुल मिला के पिछली बार के पेपर से थोड़ा लेंदी मान सकता था। और अटैम्प्ट कितने के अपन ने? ये प्रेशर है। टोटल क्वेश्चन कितने अटैम्प्ट किए? आई डोंट नो सर, गिने नहीं। चलिए, सी सेट के लिए ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू सर। हाँ जी सर, आपका कैसा रहा? पेपर ठीक ठाक था लेकिन टफ था। यूपीएससी ने इस बार क्या किया है, एलिमिनेशन वाली टेक्निक हटा दी है। ओके। यदि आपको सारे ऑप्शन पता है तो ही आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, वरना तो लीव करना ही पड़ेगा। थोड़ा टफ है काफ़ी, मतलब मज़ा तो आया ना वैसे? मज़ा तो आया ही है। चल, कैसा लेवल आ रहा है? पेपर थोड़ा टफर साइड पे था, मतलब जो एलिमिनेशन वाले ऑप्शन थे वो बिल्कुल हटा दिए थे। ओके ओके। बहुत कम थे जिनको एलिमिनेट कर सकते, एक दो ही क्वेश्चन थे शायद। बाकी सारे दूसरे टाइप के, जो पिछले साल जो क्वेश्चंस आए थे हिस्ट्री में उस टाइप के थे। ओके। क्योंकि पेपर मतलब क्वेश्चंस इजी थे बट ऑप्शंस जो थे टफर साइड पे थे, मतलब आसानी से अपन एलिमिनेट नहीं कर सकते वो ऐसे आंसर। और मतलब पिछली बार से कंपेयर करें तो इस पेपर को? पेपर वही मैंने जैसे बताया, क्वेश्चंस थोड़े टफर साइड इजी साइड पे थे, अपन जो ऑप्शंस थे वो थोड़े उस टाइप के थे, मतलब अपन एलिमिनेट नहीं कर सकते जल्दी से। टोटल कितने अटेम्प्ट किए सर आपने? मैंने किए 72। 72। चलिए सर, ऑल द बेस्ट सी सेट के लिए आपको। थैंक यू। हाँ जी, गुड नेम। पेपर तो थोड़ा था इनकन्वेंशनल था, कि जैसे हर बार आते हैं कि आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, इस बार वैसा नहीं था। अप्रॉक्स 50 क्वेश्चन ऐसे ही थे कि ओनली वन पेयर, ओनली टू पेयर, तो पूरे ही स्टेटमेंट पता होने चाहिए तभी कर सकते हो। ओवरऑल तो वैसे यूपीएससी का है ही, हर साल अनप्रडिक्टेबल पेपर आता है, एंड बट अटेम्प्टेबल डूएबल क्वेश्चंस भी थे। अप्रॉक्स 30-40 क्वेश्चंस थे जो आप आराम से कर सकते थे, बेसिक नॉलेज पे थे, एंड बुक्स वाली नॉलेज से ज़्यादा कॉमन सेंस बेस्ड पेपर था। अगर कॉमन सेंस से करो तो ईजिली अटेम्प्टेबल थे क्वेश्चन। तो अपकमिंग एस्पिरेंट्स को क्या थोड़ी सी टिप्स देना चाहेंगे सर आप? यही कि आप अपनी बेसिक बुक्स को ही फॉलो करते रहो बस, एंड मल्टीपल रिवीजन एंड मॉक टेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो ताकि वो कॉमन सेंस अप्लाई करना आ जाए। चलिए, सी सेट के लिए ऑल द बेस्ट सर आपको। थैंक यू। आप आराम से बैठिए, कोई दिक्कत। गुड नेम सर। माईसेल्फ अजय कुमार। ओके। तो अजय जी, कैसा रहा इस पेपर का? पेपर पैटर्न काफ़ी अच्छा है यूपीएससी का, और इसके लिए स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए कि अपने को डीपली स्टडी करना चाहिए, यानी डाटा को थोड़ा सा अच्छे से कंफर्म करके और फिर बाद में पढ़ के आना चाहिए। करंट से यानी कि अपडेट ज़रूर रहना चाहिए। तो अगर टोटल अटेम्प्ट की बात करें क्वेश्चंस की, तो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए सर आपने? सर अप्रोक्स 80-85। अब जो बच्चे तैयारी करने जा रहे हैं यूपीएससी की, है ना, तो उनको कुछ टिप्स देना चाहेंगे आप? सर मेरी तरफ से टिप्स यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपना एनसीईआरटी को कवर करके और करंट जो है यानी कि डेली न्यूज़पेपर जो है उसको फोकस करें, डीपली फोकस करें। चलिए सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आगे पेपर के लिए। थैंक यू। थैंक यू। कैसा रहा पेपर? सर ठीक था पेपर, बस पेयर वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे इस बार, वन पेयर टू पेयर वाले। ओके। तो लगभग अपन ओवरऑल सारे सब्जेक्ट की बात करें, करंट अफेयर्स, साइंस, तो किस जैसे कि तो होता है क्वेश्चन थोड़ा इजी दे के ऑप्शन, काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं कि ऑप्शन में काफ़ी परेशान कर रहा है। हाँ इस बार ऑप्शन हार्ड थे, क्वेश्चन तो ठीक थे लेकिन ऑप्शन बता रहा हूँ वो वन पेयर टू पेयर वाले ज़्यादा क्वेश्चन थे इस बार। पिछली बार तो 2-3 क्वेश्चन थे लेकिन इस बार काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे। टोटल अटैम्प्ट क्या रहा सर अपना क्वेश्चन में? सर मैंने 88 किया है। जी चलिए सर, ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू सर।